मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने किसानों द्वारा निकाले जाने वाले ट्रैक्टर रैली का समर्थन करते हुए कहा कि क्या हर्ज है अगर किसान 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर उनकी शांतिपूर्वक रैली हो रही है, ये उनका अधिकार है। इस संविधान में हम सबको अधिकार दिया है हम अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर सके। गणतंत्र दिवस हमारे गौरव का दिन है, अगर गणतंत्र दिवस में शामिल होते हैं तो उससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है। इस ट्रैक्टर रैली के निकलने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछे गए सवाल पर सपा सांसद बोले कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देशों की हमदर्दी किसानों के साथ है, बहुत सारे देशों ने इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश भी की है, दुनिया बहुत सारे देशों की मेजोरिटी इन कानूनों को खत्म करने के पक्ष में है। सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन आज रामपुर सांसद आजम खान के समर्थन में किए जा रहे एक प्रोटेस्ट में शामिल होने मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली की बात कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या मैसेज है? क्या हर्ज है अगर वो ट्रैक्टर रैली करते हैं और शांतिपूर्वक अगर किसानों की रैली हो रही है, वो उनका एक अधिकार है और ये संविधान ने हम सब लोगों को दिया है कि हम अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर सकें। गणतंत्र दिवस हमारे गौरव का दिन है और गणतंत्र दिवस में भी अगर वो शामिल होते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। आपने कभी इस तरह की रैली देखी है अपने ज़िंदगी में, इस तरह की रैली कभी निकली हो, हमने किसी ने देखी हो? वैसे तो हमने पिछले 70 साल में ऐसे आंदोलन भी नहीं देखे कि एक साल के अंदर अंदर पूरे हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े दो आंदोलन हो गए, एक CA की वजह से और किसान कानूनों की वजह से। तो ये भी एक रिकॉर्ड है इस सरकार का कि ऐसे बड़े आंदोलन आज़ाद हिंदुस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुए थे। इंटरनेशनली क्या मैसेज जाएगा सांसद इसका? इंटरनेशनली आपको पता है पूरी दुनिया की हमदर्दी किसानों के साथ है, कितने देशों ने सरकार से दरख्वास्त किया और उसमें बहुत से देशों ने इसमें इन्वॉल्व होने की भी कोशिश करी है। तो सारे दुनिया, मैं समझता हूँ मेजॉरिटी जो दुनिया की है, वो इन कानूनों को ख़त्म करने के पक्ष में है।